वेल दोस्तों, इस वीकेंड के वार में अक्षरा सिंह के फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। सबसे बड़ी ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है अक्षरा सिंह को, जिसे सुनने के बाद अक्षरा सिंह खुशी से झूम उठेंगी, अक्षरा सिंह नाच उठेंगी और दिल पूरी तरह से झूमने पर मजबूर हो जाएगा अक्षरा सिंह और अक्षरा सिंह के फैंस को। आइए आप सभी दर्शकों को वो खुशखबरी, वो गुड न्यूज़ बताते हैं दोस्तों। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया है तो बेल आइकन के घंटे को आप ज़रूर दबा लें। चलिए आपको बताते हैं ये एक्सक्लूसिव न्यूज़। हम आपको बता दें दोस्तों कि इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए अक्षरा सिंह जो है वो नॉमिनेटेड थी। अक्षरा सिंह नॉमिनेटेड थी। अक्षरा सिंह के कनेक्शन मिलिंद गावा नॉमिनेटेड थे और साथ ही साथ जो नेहा भसीन है और प्रतीक सहजपाल भी नॉमिनेटेड थे। ये चार सदस्य इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड थे और साथ ही साथ शुरुआती वोटिंग ट्रेन में प्रतीक सहजपाल उनसे काफी आगे चल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, वैसे वैसे अक्षरा सिंह ने पूरा पासा ही पलट दिया। अक्षरा सिंह जो है वो नंबर वन की पोजिशन पर बरकरार है और ना सिर्फ नंबर वन की पोजिशन पर बरकरार है बल्कि उन्हें बहुत ज्यादा वोट मिल रहे हैं। इतने ज्यादा वोट कि अभी से कयास लगाए जा रहे हैं कि ना सिर्फ OTT बल्कि बिग बॉस के 15वें सीजन को भी वो जीत सकती हैं। दूसरे नंबर की हम बात करें तो मिलिंद गाबा है, तीसरे नंबर पर प्रतीक सहजपाल है और चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो नेहा भसीन है। तो ये कुछ वोटिंग ट्रेंड सामने आ चुकी है। अब हम आपको बता दें दोस्तों कि यहां पर गुड न्यूज क्या है। तो यहां पर प्रतीक, यहां पर करण जौहर जो हैं वो ये बोलते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ अक्षरा सिंह के आर्मी की तारीफ करेंगे और तारीफों के पुल बांधते हुए दिखाई देंगे और साथ ही साथ कहेंगे कि अक्षरा तुम्हारे फैंस ने तो बड़ा ही करिश्मा कर दिखाया, अक्षरा तुम्हारे फैंस में बड़ी जज्बा है, तुम्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। ये सारी की सारी बातें बोलते हुए नजर आएंगे। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है अक्षरा सिंह के लिए। अक्षरा सिंह बीते कई दिनों से काफ़ी लो फील कर रही थी लेकिन अब लो फील करने का वक्त नहीं है, अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने का है। और साथ ही साथ ये बड़ी और एक्सक्लूसिव न्यूज़ जो है वो निकलकर सामने आ रही थी, सोचा हम आप सभी दर्शकों के साथ शेयर कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल के साथ। क्विक टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट।